सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम नोट करें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते ही चलना क्वेश्चंस के, ठीक है? हाँ, लेकिन कोई नोट करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट्स वगैरह डिलीट भी हो जाते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन पूछता है, इसमें एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। With their limitations, next है इसमें देखो क्या पूछ रहे हैं, रिटर्न टू स्केल। एक्सप्लेन रीजन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। नेक्स्ट देखो, डिफाइन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखो ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, अंडर विच स्टेज इज प्रोडक्शन फंक्शन इज बेनिफिशियल, बता कौन से स्टेज में बेनिफिशियल होता है प्रोडक्शन फंक्शन। सेकेंड स्टेज सेकेंड स्टेज में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज, है ना, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न ऑफ स्केल, व्हाट आर द क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जैसे ये एक देखो क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एक्सप्लेन द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, व्हाट इज आईएसओ, प्रोडक्ट कर्व, ये हमने डिस्कस नहीं किया है तो आज हम इससे स्टार्ट करेंगे। गिव इट फीचर्स, ठीक, या इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे बना के पूछता है आप लोगों का, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट है रिज लाइंस, एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, क्वेश्चन नोट किया सबने? यस मैम। ठीक है, या फिर एक और क्वेश्चन देखो, इसमें इसी का ही बना के देता है, व्हाट डू यू मीन बाय आईएसओ क्वांट्स, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ आईएसओ क्वांट्स। या फिर एक भी ये भी दे सकता है, व्हाट इज इक्वल प्रोडक्ट कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व। ये सब आईएसओ की ही बात हो रही है ना, ये जो भी हम डिस्कस कर रही हूँ मैं क्वेश्चंस, ये सब आईएसओ प्रोडक्ट कर्व की बात हो रही है। इक्वल प्रोडक्ट कर्व क्या है, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम इनडिफरेंस कर्व। ठीक, फिर पूछेगा इसमें व्हाट आर रिज लाइंस। जैसे मैंने यहाँ पे देखो शॉर्ट नोट्स में आपको दिया रिज लाइंस, ये तो ये भी इसमें भी देखो इस क्वेश्चन में ही डाल दिया, तो ये सब आईएसओ वाले उसका है। ये लास्ट टॉपिक है अपने सिलेबस में यूनिट 3 में। ठीक, तो ये कभी कभी आप लोगों को यूनिट 2 में भी पूछ सकता है, तो हड़बड़ाना मत, क्वेश्चन आगे पीछे कर सकता है वो, है ना।
चलो अब आईएसओ प्रोडक्ट कर्व स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आईएसओ क्वांट कर्व क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। लोकस ऑफ पॉइंट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स। पहला क्या है? कैपिटल, दूसरा लेबर यील्डिंग द सेम आउटपुट। मतलब जैसे अपना हमने अभी प्रोडक्शन फंक्शन किया था, तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने एक किया था स्मॉल वाला और एक किया था हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन फंक्शन में हमने दो इनपुट्स यूज किए थे, क्या क्या? एक कैपिटल भी था और एक लेबर भी था, और ये दोनों हमारे क्या बने थे उसमें? इनपुट। और जो रिजल्ट आता था वो क्या होता था? आउटपुट। और जो स्मॉल स्केल था जिसको हमने वेरिएबल प्रोपोर्शन बोला था, उसमें एक ही इनपुट था, वो था लेबर, और आउटपुट आ रहा था अपना, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पे लोकस ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे देखो मैंने किसकी बात की है? दो इनपुट जैसे कि कैपिटल और लेबर, जैसे इसमें लार्ज स्केल में कैपिटल था लेबर था, और यील्डिंग द सेम आउटपुट। ऑब्वियस है वो दोनों फैक्टर्स कैपिटल और लेबर एक ही आउटपुट के लिए क्या होना चाहिए, इसमें डिफाइन होने चाहिए। अब देखो एक एग्जाम्पल देखो, सपोज ये ग्राफ है, ठीक, ये एक्स है ये वाई है। एक सपोज एक कैपिटल है एक्स, वाई अपना क्या है? लेबर है, ठीक। तो देखो इसमें सपोज करते हैं अपन, लोकस ऑफ पॉइंट्स मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखो ये एक्स है ना, ये वाई बनाया मैंने, ठीक। अब देखो इसमें ये सपोज कैपिटल है, ये लेबर है, ये इनपुट्स की बात हो रही है, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, अब हमने यहाँ पे लेबर्स बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सपोज, है ना। देखो तो सपोज यहाँ पे 9 कैपिटल और 4 लेबर, ये 4 कैपिटल है तो 9 लेबर यूज हो रहा है। अगर हमने 10 लेबर यूज कर दिए तो अब कैपिटल कितना यूज हो रहा है? 3। सेम ये 11 के टाइम पे 2 हो जाएगा और ये 12 के टाइम पे 1, ठीक। तो देखो ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, ये है लोकस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट जो हम कर रहे हैं ये है, आया समझ में? तो ये जो मैंने कर्व बनाया ये अपनी आईएसओ क्वांट, आईक्यू, आईएसओ क्वांट कर्व। ये कर्व का शेप बना, देखो ये जो ये शेप आ रहा है ये है कर्व का शेप। तो अब इसमें समझो, ये देखो क्या लिखा है, लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द वेरियस कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट्स है ना, ये कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं किसके? कैपिटल और लेबर के। तो देखो ये मैंने बस इसमें पॉइंट्स को मैंने इसे शो किया, तो ये बनी आईएसओ कर्व। आया समझ में? ज्यादा कुछ नहीं है, बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को ही बोला है। आया समझ में आईएसओ कर्व का मतलब? बताओ हनी, एकता बताओ बेटा, प्रशांत। ये देखो ये कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं अब अपन, समझ में आ रहा है? ये 12 इसका तो 1, 11 इसका तो 2 इसका,
10 इसका, तो इसका कितना हुआ 3, ये कितना है 9, तो ये कितना हो गया 4। तो ये एक प्रोडक्ट को जब प्रोडक्शन कर रहा है तो ये उसका एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही फर्म क्या कर सकती है, दूसरा कॉम्बिनेशन भी बना सकती है जो उसको सही लगे। सपोज अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो अब फर्म चाहे ना तो क्या कर सकती है, ये 13 ले सकती है, मतलब उसको कौन सा सुइटेबल है, ऐसे करके वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएगी। तो उस समय सपोज एक कर्व यहाँ बन रहा है, एक पॉइंट इधर आ रहा है, एक इधर पॉइंट आ रहा है, एक इधर पॉइंट आ रहा है, तो ये फिर दूसरा बना रही है, एक इधर बैठ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अगर वो प्लॉटिंग करेंगे तो ठीक है। तो ये देखो ये एक कॉम्बिनेशन था उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जहां पे वो पहले 12 लेबर यूज कर रही थी और कैपिटल का 1 पॉइंट, अब नेक्स्ट टाइम वो क्या कर रही है 14 पॉइंट ले रही है और 1 ले रही है, क्या पता प्रोडक्शन ज्यादा हो। फिर 13 के टाइम पे 2 चूज कर रहा है, तो ये सेकेंड कॉम्बिनेशन बनाई वो, फिर ऐसे करके वो तीसरा कॉम्बिनेशन बनाएगी और जो उसको बेस्ट लगेगा वो चूज करेगी। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं एक ही प्रोडक्ट के लिए, याद रखना एक ही प्रोडक्ट के लिए जब कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जिससे फर्म में आउटपुट तो इक्वल आ रहा है, आउटपुट मतलब एंड रिजल्ट कितना आ रहा है, इक्वल है, आउटपुट इक्वल है, इट मींस जो एंड रिजल्ट जो गुड्स लास्ट में बन के रेडी हो रहा है वो सब कॉम्बिनेशन में सेम आ रहा है, लेकिन फर्म कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करे जिससे उसकी जो इनपुट की कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ में आ रहा है, इनपुट डालेंगे तो उसमें क्या शो हो जाएगा, आउटपुट। तो कॉम्बिनेशंस बनाती है फर्म जिससे आउटपुट हर बार समझो 10 टन का ही प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे जो इनपुट्स दे रही है वो आगे पीछे कर रही है, तो उनकी कॉस्ट को आगे पीछे इसलिए कर रही है कि क्या पता कॉस्ट कम हो जाए लेकिन रिजल्ट उसको उतना ही चाहिए। तो ऐसे जो वेरियस कॉम्बिनेशंस बना के फॉर्म ट्राई करती है एक ही प्रोडक्ट को लेकर के, आ रहा है समझ में, तो वो हो जाता है आईएसओ कर्व्स। किसी को डाउट है मीनिंग में तो पूछो पहले जल्दी से, बताओ कोई डाउट है। नो मैम, आ रहा है समझ में सबको, प्रशांत, हनी, एकता, योगिता? यस मैम, तो यस मैम, अगर इन शॉर्ट बोलना चाहो तो क्या बोलोगे, एक ही प्रोडक्ट को लेकर के ठीक है, एक प्रोडक्ट के लिए वेरियस कॉम्बिनेशंस जब तैयार करती है फर्म या इंडस्ट्री ठीक है, और आउटपुट क्या है, सब में सेम आउटपुट है ठीक है, प्रोडक्ट एक ही है तो ऑब्वियसली आउटपुट भी सेम आना चाहिए, वेरियस कॉम्बिनेशंस तैयार करती है और जब उसको ग्राफ पे लोकेट करती है तो ग्राफ में लोकेट करने के बाद वो जो कर्व दिखता है ये होते हैं आईएसओ क्वांट्स कर्व। आया समझ में? अब नेक्स्ट है इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट को लेके बनाया जाता है ठीक है, दो कमोडिटीज को ध्यान में रख के किया जा रहा है, और कौन सी कमोडिटी ठीक है इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रही है कंज्यूमर को, आ रहा है समझ में। तो आईएसओ में एक ही प्रोडक्ट के वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, और इनडिफरेंस कर्व में क्या किया जाता है, दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को प्रोवाइड किया जाता है जिससे पता चलता है कि सिर्फ कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि नहीं, इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। और आईएसओ में क्या हो जाता है, आउटपुट पता चलता है, इक्वल आउटपुट फॉर द फर्म, तो दोनों अलग चीज है। तो अगर पूछेगा एग्जाम में आईएसओ प्रोडक्ट क्या करता है, तो आईएसओ प्रोडक्ट इक्वल आउटपुट बनाता है फर्म के लिए, उसके कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, और इंडिफरेंस कर्व में हम दो कमोडिटीज को मैच करते हैं जिससे हमको ये समझ में आता है कि कहाँ पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को।
आ रहा है समझ में आईएसओ और इंडिफरेंस का डिफरेंस बिटवीन? तो देखो डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट, देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन है किसके, आईएसओ के, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दो इनपुट के कॉम्बिनेशन है, जैसे कि लेबर और कैपिटल, वो क्या रिजल्ट देते हैं हमको, इक्वल आउटपुट देते हैं फॉर फर्म. सेम इन डिफरेंस में क्या हो जाएगा, इसमें भी कॉम्बिनेशन है लेकिन दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन है, और वो क्या प्रोवाइड करता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स. अब फैक्टर्स एंड गुड्स में देखो, आईएसओ में जो हम कॉम्बिनेशन है वो किसके हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और सेम इंडिफरेंस में किसके कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ऑफ गुड्स की, गुड्स मतलब कमोडिटीज की, जैसे कि सपोज टी और कॉफी हो गया, तो कौन सा इक्वल सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पे प्रोवाइड करेगा, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इंडिफरेंस कर. नेक्स्ट देखो इसमें तीसरा, मेजरमेंट, जो आईएसओ क्वांट्स है एक कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट बताता है, याद रखना आउटपुट मिलता है हमको जो कि हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए तो हम उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं ना, क्या हर बार हमको सेम आउटपुट मिले तो कौन सा कॉम्बिनेशन फर्म के लिए सही. सेम इंडिफरेंस में सेटिस्फेक्शन होती है कंज्यूमर को, जो हम मेजर ही नहीं कर सकते, हम कैसे किसी की सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं, तो विच कैनॉट बी मेजर्ड. तो ये इंडिफरेंस कर्व भी हो गया और आईएसओ क्वांट्स भी हो गया इसमें. अब नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आईएसओ क्वांट्स, यहां तक डाउट है तो पूछो. बताओ यहां तक कोई डाउट? नो मैम. तो नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आईएसओ क्वांट्स, पहला नेगेटिव स्लोप होगी, ये हमेशा याद रखना. नेगेटिव क्यों, देखो दो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने उस समय ये डायग्राम बना के दिया था आपको, ये एक दो तीन चार लिया था और ये तो देखो नेगेटिव स्लोप कैसे हो गया, अगर मैं यहां से दो लेती हूं तो यहां मेरे को तीन लेना पड़ रहा है, अगर यहां तीन लेती हूं तो यहां दो, चार है तो एक. तो देखो जब मैं एक इनपुट दो ये कम लेती हूं, अगर मैं सपोज लेबर में एक कम लेती हूं तो कैपिटल में क्या लेती हूं, एक ज्यादा. फिर अगर मैं लेबर को इंक्रीज कर देती हूं, सपोज मैं उसको दो से तीन कर देती हूं लेबर को, तो कैपिटल में क्या कर रही हूं, चार से क्या कर दिया मैंने, तीन किया. तो एक फैक्टर बढ़ाने के चक्कर में मैं दूसरा को माइनस कर देती हूँ, इसलिए कौन सी स्लोप है, हो जाएगी नेगेटिव स्लोप. समझ में आया, नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि मैं एक फैक्टर या एक इनपुट को जब मैं इंक्रीज करती हूँ तो मैं दूसरे इनपुट को क्या कर देती हूँ, कम कर देती हूँ. तो इसलिए इसका नाम मैंने क्या लिखा, नेगेटिव स्लोप. तो जो स्लोप बनती है, ये जो कर्व बनता है, ये देखो ये नेगेटिव बन रहा है. आया समझ में प्रॉपर्टीज आपको? अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड है कन्वेक्स टू द ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स क्या होता है, इसमें देखो डिमिनिशिंग रेट यूज करते हैं अपन, इसमें डिमिनिशिंग रेट यूज होता है, ठीक है. जैसे ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन में गई, बी कॉम्बिनेशन से सी, सी से डी, तो ऐसे नीचे की तरफ मूव करते जाती है ये, तो नीचे की तरफ जाएगी तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन कहलाएगी. नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो सकती हैं. नो टू आईएसओ क्वांट्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी देखो, ये जो एक क्वांट बना, फिर एक ये दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा, ये तीसरा बनेगा, ये चौथा, ये कभी भी ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. इंटरसेक्ट मींस क्या, देखो एक ये ऐसे बनी तो एक ऐसे बनेगी, बिल्कुल नहीं, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. ये नो टू आईएसओ क्वांट्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, याद रखना ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी.
Fourth point. An ISO quant lying, LYING है ना, an ISO quant lying above and to the right of another represents a higher output level. इसका मतलब समझो. An ISO quant lying above. Suppose ये वाला डायग्राम देखो फिर से. ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये देखो, ये एक बना, तो अब जो दूसरा बनेगा इसके ऊपर, लाइंग अबव, इसके जस्ट ऊपर ये जो बनेगा, एंड टू द राइट ऑफ, और ये जो सपोज एक ये ऐसे आई और एक यहां से स्टार्ट हो रहा है कॉम्बिनेशन, और ये इसके राइट की तरफ जा रहा है ना, तो जो जस्ट इसके ऊपर बन रहा है और जो राइट की तरफ बन रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा आउटपुट. और जैसे ये इसके ऊपर ऐसे बनी एक, तो ये इससे भी ज्यादा आउटपुट बताएगा, ये ऐसे, समझ में आ रहा है. तो एक तो इसके ऊपर बननी चाहिए और ये राइट की तरफ टिल्टेड होनी चाहिए. आ रहा है समझ में? यस मैम. नेक्स्ट देखो, इसमें ये प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इजी टॉपिक है ना, सिर्फ समझना है पॉइंट्स को और लिखना है, जैसे बता रही हूं बस उतना, इससे ज्यादा नहीं. नेक्स्ट देखो, ISO quants need not be parallel. ये जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल बने. सपोज देखो, ये नीचे वाली एक ऐसे बन रही है टिल्टेड की तरफ और एक ये ऐसे बन रही है. अब देखो, ये इसके अबव तो बन गई ऊपर, तो लेकिन क्या ये राइट की तरफ टिल्ट की क्या? नहीं की ना, की नहीं की. इट मींस ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसमें ये नहीं बता रहा है कि ये ज्यादा आउटपुट बता रहा है. ठीक है, तो ये देखो, अगर ये ऐसे वाला फॉर्म बनता है क्वांट, ऐसे जो राइट की तरफ ज्यादा टिल्टेड है और ऊपर है, मतलब जो इसकी जस्ट ऊपर है और राइट की तरफ है, इट मींस वो ज्यादा आउटपुट बता रहा है. और जरूरी नहीं है कि जो ऊपर बनेगी वो हर बार राइट की तरफ जाएगी, बिल्कुल नहीं, नीचे वाली भी राइट की तरफ जा सकती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ISO quants हमेशा पैरेलल में होंगी, तो जो ज्यादा आउटपुट दिखाएगी वो पैरेलल में जाएगी, और ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वही कंडीशंस रहेगी. तो ISO quants नीड नॉट टू बी पैरेलल, कोई बात नहीं अगर नीड नॉट टू बी पैरेलल, कि जो ऊपर कॉम्बिनेशन बन रहा है वो राइट की तरफ ही जाए, वो लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है. ठीक है, और ये वाला इधर जा सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार पैरेलल में बने. सिक्स देखो, नो ISO quants कैन टच आइदर एक्सिस, है ना. एक्सिस क्या होता है? मैम जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है, वो ऊपर और नीचे का लाइन. हाँ, ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई, सपोज अगर आपका कर्व इसको टच कर रहा है, किसको? एक्स एक्सिस को. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट है सिर्फ इस फैक्टर के हेल्प से बना है. ठीक, या फिर अगर वो इसको टच कर रहा है, इट मीन्स वो यहाँ वाले फैक्टर को उसमें से बना है. तो क्या ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, हमने इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी क्लियर किया है कि दो इनपुट के कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगा. तो ये ना ही सिर्फ इसको टच करेगी और ना ही सिंगल इसको टच करेगी. आ रहा है समझ में? ये ऐसे जा सकती है लेकिन ये इसको टच नहीं करेगी, मतलब जीरो नहीं करेगी. और समझ में आ रहा है? क्योंकि जीरो होगा वो तभी यहां पर टच होगा, तो जीरो नहीं होगा क्योंकि हमने क्लियर कर डेफिनेशन में किया है कि ये इनपुट कितने ले रहा है, दो, मतलब दोनों की हेल्प से. तो यानी अगर एक जीरो हो गया तो मतलब एक की हेल्प नहीं ली गई है. नेक्स्ट देखो, इसमें सेवेंथ पॉइंट, ISO quants help delineate ridge lines
देखो रिज लाइंस की बात हो रही है, इंडिफरेंस कर्व मैंने एक्सप्लेन किया आपको, मैंने आपको जो क्वेश्चंस लिखवाए अभी उसमें एक रिज लाइंस भी था और एक इंडिफरेंस कर्व था, तो इंडिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी में रिज लाइन आ रहा है और बाउंड्री लाइन फॉर द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब होगा, देखो आईएसओ कौन, ये रिज लाइंस क्या होती हैं, जब अपन ना कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जैसे सपोज ए और बी बना तो हमको कहां तक प्रोडक्शन करना है, ठीक है, मतलब ये ना इसको डायग्राम से ही बताती हूँ। सपोज देखो ये एक्स एक्सिस वाई, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको डायग्राम्स वही बता रही हूँ जो आपके बुक में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। देखो ये एक कॉम्बिनेशन बना, ठीक, तो इसको मैंने बोल दिया ए, ये हो गया मेरा बी पॉइंट, ये हो गया मेरा आई क्यू, ठीक है। अब इसमें देखो ये ए और बी जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये ए और बी पॉइंट्स हैं, सपोज ये जो ए पॉइंट है आई क्यू पे, ठीक है, ये किसका कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ और सी यूनिट्स का। ए पॉइंट सपोज क्या किसका कॉम्बिनेशन चूज कर रहा है, ओ और सी यूनिट्स ऑफ कैपिटल और ओ एफ यूनिट्स ऑफ लेबर। इधर देखो ये, देखो ये ओ सी, ये देखो ये पिंक से बता रही, ये ओ सी, ये कैपिटल है, ठीक, तो ये लिखा है ओ सी यूनिट्स ऑफ कैपिटल, फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ओ एफ यूनिट्स ऑफ लेबर, ये लेबर, तो ये कौन सा पॉइंट बना है अपना, इसकी वजह से यहाँ पे ए पॉइंट बना है। नेक्स्ट देखो, तो अब यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मर्ज करवा दूं तो प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, कम से कम ओसी कैपिटल चाहिए, ठीक, और आई क्यू कहां गया इसका, ये देखो आई क्यू प्रोडक्शन करने के लिए इसको ओसी भी चाहिए और ओएफ, तो यहाँ पे देखो एक ये पॉइंट्स बनती है, ये यहाँ पे कम से कम इतना चाहिए, तो सपोज एक और अगर मैंने कर्व बनाई, ये दूसरा कॉम्बिनेशन भी सपोज मैंने एक ये बनाया, एक ये तीसरा, तो जहां पे मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ सिंगल सिंगल चूज कर रही हूँ, ये कैपिटल, ये इस पॉइंट के लिए इतनी, सपोज इस पॉइंट के लिए इतना लेबर, ये, तो जब मैं सिर्फ कैपिटल कैपिटल को मर्ज कर रही हूँ, यहाँ सिर्फ मैं लेबर 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 को हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये जो ये कि ग्राफ बनता है, ये इसको बोलते हैं रिज लाइंस। इसमें हम सिर्फ सिंगल बता रहे हैं, ठीक है, अगर इसको फिर से देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, इसमें देखो ये एक ग्राफ बना, क्वांट बना, एक दूसरा कर्व बना, एक ये तीसरा कर्व बना, तो जिसमें मैं हाईलाइट करती हूँ, ठीक है, कि इतने के लिए तो मेरे को इतना ये कैपिटल चाहिए, सपोज ये इस पूरे आउटपुट को प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, ओसी यूनिट्स ऑफ कैपिटल, तो ये जो ये ओसी यूनिट्स ऑफ कैपिटल ये ए के लिए, फिर इसके लिए इतना, ये जो मैं इसमें हाईलाइट करूंगी कि इतनी कम से कम कैपिटल तो मुझे चाहिए, तो ये जो ग्राफ बनता है इधर के लिए, और ये सेम फिर ये इधर से भी बनाएंगे अपन लेबर के लिए भी, कि कम से कम इतना लेबर तो हमको चाहिए, कम से कम जो लीस्ट, ये जो लाइन ग्राफ में हम शो करते हैं उसको बोलते हैं रिज लाइंस। अब
आ रहा है समझ में? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो एक इसको एक वर्ड यूज करते हैं, पीक प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन यूज ऑफ इनपुट। ठीक है, अब ये इनपुट कोई भी हो सकता है, सपोज ये लेबर भी हो सकता है या फिर ये कैपिटल भी। अगर हम इसको यहां से ले रहे हैं सपोज, तो ये मैंने अभी क्या बताया था, कैपिटल, तो मैं लिखूंगी पीक प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन यूज ऑफ कैपिटल। और अगर मैं इसको यहां से लूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, पीक प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनी गिवन यूज ऑफ लेबर। यहाँ पे तो दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं, कोई एक, या तो मैं इसको इतना पीक पे लेके चलूं या तो मैं सिर्फ इसको लेके चलूं, तो दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं अपन। ठीक है, इसको मैं कल थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप लोगों का टाइम हो गया है। ठीक है, तो हम रिज लाइंस को कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अगर किसी को डाउट भी है, रिज लाइंस नहीं समझ में आया, तो हम इसको कल डायरेक्ट ना प्लॉटिंग करके कर समझेंगे। ठीक,